अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। शुक्रिया राजपूत खान, वक्त पर आकर तुम हमारा जान बचाया। तुम्हारा ये एहसान हम पर कर्ज रहेगा। अच्छा, खुदा हाफिज। ये क्या? हथकड़ी, तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए। ओए ललिती जान, खुद ही जान बचाता है पे खुद ही हथकड़ी पहनाना चाहता है। जान बचाना इंसानियत थी बादशाह खान, हथकड़ी पहनाना फर्ज। कैसा फर्ज? हमारे मुल्क के कानून की नजर में तुमने जुर्म किया है। पर क्या कानून है? तुम्हारा कानून तो इसको फांसी देने वाला था, इसको तो मरना ही था। तुम नहीं मारा, हम मार दिया, बात बराबर। यही तुम्हारा जुर्म है। राजपूत खान, इसका लाश तो हम काबुल लेकर जाएगा, हमको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। पठान, तुम्हारे सामने एक राजपूत खड़ा है और जान की बाजी लगाना वो भी जानता है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अच्छे, हम इजाजत नहीं मांगा। ओए, अपना फैसला सुनाया तो फिर मैंने भी फर्ज का फैसला सुना दिया है। फर्ज और कर्ज की टक्कर ना हो तो अच्छा है। देखो राजपूत खान, इस गद्दार की वजह से हमारा दो कबीलों में बहुत झगड़ा है। ओए, ये खूनी है, इसने बेनजीर के बाप को मारकर हमारे दो कबीलों में बहुत दुश्मनी पैदा कर दिया। बेनजीर? कौन बेनजीर? वो जो बादशाह के दिल का हिस्सा बन चुकी है। इसकी लाश हम बेनजीर के कदमों में डालेगा तो वो बादशाह को कबूल करेगी, ऐसा उसका दावा था। नहीं बादशाह, नहीं, मेरा फर्ज तुम्हें ऐसा करने से रोकता है। देखो राजपूत खान, तुम बात समझने का कोशिश करो। हम वापस जाएगा तो दो कबीलों में सुलह होगा, अमन होगा, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगा। हम बेनजीर से निकाह कर सकेगा। देखो राजपूत खान, हम तुमसे वादा करते हैं, अभी हमको जाने दो। 30 दिन के अंदर हम खुद तुम्हारे पास आएगा, तुम अपना फर्ज पूरा कर लेना। ये पठान का जबान है, पठान का जबान। ठीक है, जाओ बादशाह, जाओ तुम। लेकिन याद रखो, राजपूत ने एक पठान पर भरोसा किया है। आज से बराबर 30 दिन के बाद फिर मुलाकात होगी।